हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज की दिन की शुरुआत 7 बजे से हो रही है। अभी घर पे सिर्फ रॉकी है और पूरा घर बंद है। आजकल बहुत अच्छा, मतलब सुबह सुबह इसको खोल लेते हैं, दिन में इसको बांध देते हैं रॉकी को, तो आजकल से ही आदत बनने की इसको शाम को भी खोल लेते हैं तो घर आ जा रहा है। आजकल नहीं जा रहा है, 2-3 दिन के लिए गायब नहीं हो रहा है, अब आ रहा से अब सही बन गया है। सुबह सुबह के जितने काम थे वो कर लिए हैं, मैंने भी नाश्ता किया और रॉकी को भी नाश्ता दे के रॉकी को बांध दिया है और मैं जा रहा हूँ अभी अपने दुकान को। रोज की तरह आज भी धूप आने वाली है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे भी धूप आ जाएगी घर पे। टाइम 7 बज गए हैं अभी। गाड़ी में रोज की तरह ओस पड़ा है। सुबह दूध पहुंचाते वक्त ओस साफ की थी, अभी भी अच्छी तरह सूखा नहीं है, पूरी गद्दी भी फट रही है इसकी। चलिए जी, अभी मैं भी चलता हूँ दुकान को। मैं भी पहुंच गया हूं दुकान में, अब यहां पे दुकान का काम करता हूं और दुकान कुछ इस तरीके से आज है। शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। और भाई की दुकान खुल चुकी है, आलू भी बॉयल हो गए हैं, यहां पे चाउमीन भी हो गए हैं, तो अभी मैं भी अपनी दुकान खोलता हूं। दुकान का काम हो गया है और अब जा रहा हूं घर पे। थोड़ा सा बरसिम बोई है, उसमें गोबर डाल रहा है और दुकान में भी सुनसानी हो गई है। लोग बाग जो है अपने काम पे चले गए हैं। चक्की में भी धान थे जो कि कूट दिए हैं और भूसा भी काफ़ी इकट्ठा हो गया है। भाई हैं दुकान पे और मैं जाता हूँ घर को। तो अभी घर पे पहुँच के अब जा रहा हूँ गोबर लेने के लिए, खाद लेने के लिए जाना है। वो जाना है यहाँ पे इस पेड़ के पास, तो चुपचाप से लेके आते हैं खाद, फिर बरसिम में डालनी है। हमारा जो खेत है ये वाला बड़ा वाला खेत, ये भी अभी बारिश नहीं हुई तो इसकी वजह से बोया भी नहीं है, बंजर है। अब इसमें पाइप लगा के फिर आलू कुछ बोएंगे इसमें भी। यहाँ पे हम अपने गाय मन्नू और बच्चू, अब दो ही हैं हमारे पास जानवर यहाँ घर पे। तो ये बच्चू है ये वाली, जो भैंस का बच्चा लेके आया था दीदी के वहाँ से, ये बच्चू और ये हमारी मन्नू, दोनों तिमुल के पत्ते खाने में लगे हैं। तो इनको खाना दे रखा है मम्मी ने, तो अभी मैं चलता हूँ। यहाँ पे है दोस्तों गोबर जो कि मेरे को खेतों में पहुँचाना है, और बहुत सारे लोग ले गए हैं यहाँ से, तो अभी तो खोद के फटाफट से इसमें डालते हैं। कट्टा भर दिया है यहाँ से, अभी इतना गोबर है यहाँ पे। ऊपर जो है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रहते हैं अपनी बकरियाँ, जो हमारी बकरी हैं तो यहीं पे रहते हैं, तो इसी का गोबर है ये बकरी का। और बकरी का गोबर को सही से गोबर बनने के लिए उसको लगते हैं करीब 3 साल लगते हैं, जो पूरे भुरभुरी वाली हो जाती है ना। तो अभी इसको उठाते हैं, तो ये कट्टे को उठाते हैं अब। तो अभी उठा लिया है गोबर, अब चलते हैं सीधे खेत में। और खेत हमारा वो नीचे है यहाँ पे, नदी के पास ही है, वहाँ जाना है मेरे को। अभी पसीना भी आ गया है खूब सारा, तो काम करके पसीना आना हेल्थ के लिए सही है। तो पहाड़ में ऐसे काम करके कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। वीडियो देख के सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और मेहनत करूं और पहाड़ में कुछ नया करके दिखाऊं मैं आप लोगों को, जो सब कर रहे हैं उससे हट के। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर ये काम मेरा सक्सेस होगा। वैसे रास्ते हैं यहाँ पे, मेरे को भी नहीं पता वीडियो कैसी आ रही है, कि मेहनत ज़रूरी है
वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी दोस्तों मैं अभी पहुंच गया खेत में, अभी थकान हो गई है, गर्दन में दर्द हो रही, बहुत भारी है, करीब 50 किलो के आसपास होगा। सूखी वाली खाद है ना, इसलिए बरसिम हमारी छोटी हो रही है, देखते कब बड़ी होती है। तो थोड़ी मेहनत करते हैं इस पर, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। अभी तो इस पर खाद डालना है मैंने। अभी यहाँ पे डाल दिए खाद, ये पूरी डाल दी गोबर की खाद ये, तो इस बार देखते हैं कैसी होती है। तो अभी तो छोटी है बिल्कुल, अभी जस्ट एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो अभी चलते हैं घर को खाना खाने के लिए। तो यह है शुद्ध पानी, यहाँ पे हाथ मुंह भी धो लिया है, पानी भी पी लिया है, शुद्ध पानी है बिल्कुल, यहीं से निकलता है, यहीं पास से, कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, कोई वो मिनरल ऐड करने की जरूरत नहीं। और गेहूं हमारे इतने बड़े हो गए हैं। पहुंच गया हूं घर पे, अब यहाँ पे खाते हैं खाना, जो आजकल पहाड़ी किचन का खाना है वो तो बाहर पे खाया जाता है। मम्मी गुस्सा हो गई, इतना लेट तक क्या कर रहा था करके। लग गया है खाना आज बाहर पे, मूली की, और मम्मी ने आज बड़ी भी बना रखी है। ये है मेरी मम्मी, आजकल जो है वो हम दोनों ही हैं घर पे, और गुन्नू और गुन्नू की मम्मी गए हैं मायके अपने। चलो, तो आज के खाने में हमारा है भटकी चुड़कानी, मूली और गडरी की सब्जी। मम्मी तो खाने भी लगी है, नहीं रुक रही। तो चलो मैं भी खाने का आनंद लेते हैं। चलिए जी, अभी खाना खा के अब चलते हैं दुकान की तरफ को, क्योंकि वहाँ पे भी भाई अकेले है, बोला था जल्दी आना करके, और रॉकी ने भी खा लिया है। रॉकी बाय, नहीं बोला, गुस्सा है, शाम को हड्डी ले आऊँगा तुल्ले। तो अभी मैं भी पहुंच गया हूं दुकान पे, और यहां पे स्कूल की इंटरवल हो गई है आजकल ना, ये खड्डे मड्डे जो हैं वो भरे जा रहे हैं हमारे वहां के रोड में, तो ये लगे हैं जो भी खड्डे मड्डे वाले, देखो ये खड्डे मड्डे सब भर गए हैं। फाइनल दोस्तों, कुछ इस तरीके से था आज का दिन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।